हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे पालक पनीर की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है और कम टाइम में बन जाती है। इसके लिए सबसे पहले मैंने पालक को कटिंग किया है। पालक को मैंने ज़्यादा छोटा कटिंग नहीं किया, मोटा मोटा कटिंग करके रख लिया है। पालक को इसलिए मैंने बड़ा कटिंग किया है ताकि पालक को उबाल के इसका पेस्ट रेडी करना है, तो इसको आप कोई भी साइज में कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद इसको उबालना है अच्छे से। उबालने के लिए मैंने यहाँ पे 2 गिलास पानी डाला और पालक को उबाल लिया। इसका कलर ऐसे ग्रीन, डार्क ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद मैं दूसरे पैन में 4 चम्मच ऑयल लूँगी। ऑयल डालने के बाद मैं 1 चम्मच जीरा डालूँगी। जीरा डालने के बाद मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, जो मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है, वो डालूँगी। इसको अच्छे से भून लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भूनने के बाद इसमें मैं 2 हरी मिर्ची डालूँगी। हरी मिर्च डालने के बाद मैंने यहाँ पे 2 प्याज डालूँगी। प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और अच्छे से भून भी लेंगे। इसको भूनने के बाद जब इसका कलर जो है सुनहरा हो जाए प्याज का, तब इसमें मैं टमाटर डालूँगी। मैंने यहाँ पे टमाटर कटिंग किया हुआ लिया है, बिल्कुल बारीक कटिंग किया हुआ टमाटर डालेंगे इसमें। इसके बाद इसको अच्छे से भून लेंगे और अच्छे से मिक्स भी कर लेंगे इसको। इसके बाद में मैं कुछ मसाले डालूँगी इसमें। नमक 1 चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर, इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे ताकि जो हमारे मसाले वो अच्छे से पक जाएं। इसके बाद मैं इसमें 1/2 गिलास पानी डालूँगी और ढक्कन लगा के इसको लो फ्लेम पे पकाऊंगी। थोड़ी देर बाद ढक्कन उतार के देखें, हमारी सारी सब्जियां जो अच्छे से पक चुकी हैं, इसको मैंने मिलाया है अच्छे से। उसके बाद मैंने जो पालक उबाल के रखी थी उसका एक फाइन पेस्ट रेडी कर लेंगे मिक्सी में। अभी जो ये हमारा पेस्ट है ये रेडी हो चुके हैं। इसको हम इस कढ़ाई में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जार में थोड़ा पेस्ट लगा हुआ था, उसको मैंने पानी डाल के इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। वैसे तो हमारी पालक है जो मैंने पहले उबाल ली थी तो अच्छे से पक चुकी थी, लेकिन थोड़ी देर इसमें उबालेंगे, उसे पकाएंगे ताकि ये अच्छे से बन जाए। इसके बाद में मैं इसमें पनीर डालूँगी। पनीर मैंने यहाँ पे 100 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को भी अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पर पकाएँगे। इसे मैंने ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए पकाया है। लगभग 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छे से पकने के बाद इसे मैंने ढक्कन उतार लिया है। ढक्कन उतारने के बाद देखिए हमारी सब्जियां जो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एंड हर हर महादेव।